फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लिनिकल नॉलेज एंड मेडिसिन। ईसीजी मेड इजी की सीरीज में आज तीसरी वीडियो में हम रिदम असेसमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रिदम के बारे में आज हम जानेंगे कि रिदम क्या होती है, रिदम जनरेट कैसे होती है, ये रेगुलर रहती है तो किन किन कंडीशन में रहती है, या नॉर्मल रिदम कैसी होती है, और एबनॉर्मल रिदम किन किन कंडीशन में होती है और उसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं। तो इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि रिदम जनरेट कहाँ से होती है। तो इसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं। जैसे कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट में हमने पढ़ा था कि एस ए नोड जो है, इनिशियल इम्पल्स वहाँ से जनरेट होती है, और एस ए नोड से जनरेट होके ए बी नोड पे जाती है, ए बी नोड से बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ऑफ हिस से पुरपिंजे, दो ब्रांच होती हैं, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, देन फाइनेस्ट ब्रांचेस आर पुरपिंजे फाइबर्स। ओके, सो इस फ्लो में इम्पल्स ट्रेवल करती है फ्रॉम एस ए नोड टू पुरपिंजे फाइबर्स। बट कभी कभी क्या होता है कि ये चैनल जो है, ये एक पाथवे जो है कंडक्शन का, इसमें कहीं इम्पेयरमेंट आ जाती है। तो उस इम्पेयरमेंट की वजह से जो हार्ट पे जो इम्पल्स जनरेट हो रही थी, 72, 75, 80, वट एवर जनरेट हो रही थी, वो कम हो जाती है या वो बढ़ जाती है। तो इसी चीज को हम रेगुलर और इरेगुलर दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एक तो 80 थी जैसे पहले, अब 90 हो गई है। तो 90 वो ऐसे है कि एक बीट 1 सेकंड में आ रही है, सेकंड बीट भी 1 सेकंड में आ रही है, थर्ड भी 1 सेकंड आफ्टर आ रही है, तो इसको रेगुलर रिदम बोलेंगे साइनस, बिकॉज जो गैप है दोनों के बीच का वो कंटिन्यूअसली सेम है। ठीक है, बट इन अपोजिट अगर ऐसा होता है कि पहली रिदम और दूसरी रिदम के, दूसरी बीट के बीच में 1 सेकंड गैप है, एंड सेकंड बीट और थर्ड बीट के बीच में 4 सेकंड गैप है, तो ये गैप जो है इररेगुलर हो गया, ज्यादा हो गया है, एक में कम है एक में ज्यादा है, तो ये इररेगुलर रिदम हो गई। ओके, सो हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम है उसमें स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो अपनी खुद की इम्पल्स भी जनरेट कर सकती हैं, इन केस कि कभी कोई सेल या कभी एसए नोड या एवी नोड वट एवर एट लेवल फेल हो जाती है। तो रिदमेसिटी मेंटेन रखने के लिए हार्ट की एवरी स्पेशलाइज्ड सेल हैज कैपेसिटी टू जनरेट इम्पल्स। ओके, तो ये इम्पल्स फायरिंग रेट जो है, इम्पल्स का जो जनरेट करने का रेट है, वो चेंज हो जाता है। जैसे एसए नोड है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट जनरेट कर सकता है इम्पल्स, एवी नोड है वो 40 to 55 जनरेट कर सकता है, बंडल ऑफ हिस है वो 25 to 40 बीट्स पर मिनट, एंड लाइक दिस बंडल ब्रांचेस एंड पुरपिंजे फाइबर्स ऑल्सो कैन फायर 25 to 40 बीट्स पर मिनट। ओके, बट रिमेंबर जो एट्रिया और वेंट्रिकल का मायोकार्डियम होता है, डेट कांट जनरेट इम्पल्स। ओके, सो जो मसल है मायोकार्डियम की, वो इम्पल्स जनरेट नहीं कर सकती। ओके, सो जब भी हम किसी भी ईसीजी को देख के रिदम के बारे में उस पे कमेंट करेंगे, उससे पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। वो बातें क्या हैं? जैसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पी वेव के साथ एसोसिएट होता है ईसीजी में। जैसे पी वेव आती है कोई ईसीजी में, डेट मीन्स कि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन को शो करता है, यानी इफ देयर इज क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन ई सी जी तो इसका मतलब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है। देन और एट्रियल कॉन्ट्रेक्शन जो है उसके बाद वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है, देन पूरा डायस्टोल होता है, वेंट्रिकल डायस्टोलिक, जिसको हम रिपोलराइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सिंपल अगर कहें तो पी के बाद क्यू आर एस आना चाहिए, क्यू आर एस के बाद फिर टी वेव, देन पी, फिर क्यू आर एस, फिर टी। ओके, तो ये एक रिदम है हार्ट की कि पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। ओके, सो इन बातों का ध्यान रखना है। अब जब रिदम नॉर्मल नहीं होगी तब किन बातों का ध्यान रखना है, किस केस में हम कहेंगे कि ये ईसीजी में रिदम जो है मेंटेन नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो उनके लिए भी कुछ पॉइंट है। जैसे अगर आपको पी वेव नहीं मिलती है, ठीक है, इन द मोस्ट ऑब्वियस लीड, जैसे कि हम लीड टू या वी वन में देखते हैं, पी वेव मोर्फोलॉजी इज बेस्ट सीन इन लीड टू और लीड वी वन। लीड वी वन में अपोजिट होती है, पर लीड टू में
स्ट्रेट होती, पॉजिटिव पी वेव होती है. ओके, अगर वहां पे आपको पी वेव नहीं दिखती है देन यू कैन से समथिंग इज एबनॉर्मल इन दिस ईसीजी. फिर पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं, हर एक पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, हर एक पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होना चाहिए. देन थर्ड पॉइंट यू शुड रिमेम्बर, जो तीसरा पॉइंट आपको याद रखना है वो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की विड्थ. विड्थ मतलब ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की. तो लेस देन 3 बॉक्सेज होती है या 3 बॉक्सेज होती है, तो नॉर्मल 3 और लेस देन 3 बॉक्सेज होती है, तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इतना होना चाहिए. जब भी एरिदमिया होता है तो उसको हम पी वेव से मोस्टली इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, यू हैव टू लुक ऑन पी वेव. इफ देर इज प्रेजेंस ऑफ पी वेव देन यू कैन से एंड द पी वेव मस्ट बी ऑन रेगुलर इंटरवल. ओके, सो यू कैन डिटेक्ट एनी एबनॉर्मेलिटी. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डिस्कस, जब भी हार्ट में एबनॉर्मल रिदम अराइज होती है वो या तो एस ए नोड से या ए वी नोड से, यहीं से अराइज होगी. जब भी एबनॉर्मल अराइज होगी तो या तो इसके ऊपर से होगी या फिर बंडल ऑफ हिस ब्रांच या पुर्किंजे फाइबर्स, यानी जो ए वी नोड की प्रेजेंस है वो राइट एट्रियम के और इंटरवेंट्रिकुलर के बीच में है. ओके, तो इंट्रावेंट्रिकुलर स्पेस के बीच में है ए वी नोड. तो वहां से ऊपर अगर, यानी ए वी नोड और एस ए नोड दोनों में अगर कुछ फॉल्ट है तो हम उसको बोलेंगे सुप्रा वेंट्रिकुलर, यानी कि वेंट्रिकल के ऊपर से कोई डिफेक्ट है तो सुप्रा वेंट्रिकुलर. अगर ए वी नोड के नीचे से कुछ होता है देन जैसे कि बंडल ऑफ हिस, बंडल ब्रांच ब्लॉक और पुर्किंजे फाइबर्स, इनकी इन्वॉल्वमेंट है तो हम इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर. वेंट्रिकुलर और सुप्रा वेंट्रिकुलर दो हो गए. ठीक है, तो दो टाइप से. अब इन्हीं बेसिस पे जो है हम रिदम को कुछ एक कैटेगरीज में बांटते हैं, जैसे कि ब्रेडीकार्डिया. ब्रेडीकार्डिया का मतलब होता है कि जब जो कंडक्शन है वो स्लो हो जाता है या सस्टेन हो जाता है. ओके, तो उस केस में ब्रेडीकार्डिया होता है. फिर एक्स्ट्रा सिस्टोल. एक्स्ट्रा सिस्टोल मतलब क्या है, एस ए नोड से इंपल्स जनरेट हुई, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बट वो जो इंपल्स थी वो ए वी नोड पे ना जाके दोबारा से एस ए नोड पे जनरेट हुई, तो दोबारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, देन वो जो थी इंपल्स वो फिर ए वी नोड पे गई, तो फर्स्ट एक एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा हो गया है रेगुलर के मुकाबले, है ना. तो ये हो गया एक्स्ट्रा सिस्टोल, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन. ओके, देन आता है टैकीकार्डिया. टैकीकार्डिया मीन्स जो कंडक्शन स्पीड है वो ज्यादा फास्ट हो जाती है, जो फायरिंग रेट है एस ए नोड से इंपल्स का फायरिंग रेट वो बढ़ जाता है, तो उस केस को हम टैकीकार्डिया बोलते हैं. देन है फिब्रिलेशन. फिब्रिलेशन क्या होता है, ये एट्रिया या वेंट्रिकल का एक्टिवेशन है बट इन अ डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर. ओके, यानी कि अगर कोई एक इंपल्स जनरेट हुई है एट्रिया में तो उसके बहुत सारे फोकस बन जाते हैं, तो उन्हीं फोकस से वो घूमती रहती है, उन्हीं फोकस में वो इंपल्स, तो हर जब भी वो फोकस पे जाएगी तो तभी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होगा. तो ऐसे ही शैलो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और रिपीटेड मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं फिब्रिलेशन. देन मूव टू नेक्स्ट, एबनॉर्मल रिदम्स की डिवीजन. जैसा कि मैंने बताया सुप्रावेंट्रिकुलर और वेंट्रिकुलर दो टाइप की होती हैं. सुप्रावेंट्रिकुलर में जो है वाइड क्यू आर एस नहीं मिलता, उसमें नैरो मिलेगा, और जो वेंट्रिकुलर है उसमें वाइड क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मिलता है. तो आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स की ड्यूरेशन, अभी जस्ट डिस्कस की थी मैंने, कितनी होती है, 3 स्मॉल बॉक्सेस और लेस देन 3 स्मॉल बॉक्सेस इज अ नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. अगर इससे ज्यादा है तो वाइड हो जाएगा, अगर दो थ्री बॉक्सेस टू बॉक्सेस या 1 बॉक्सेस है तो वो नैरो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. ठीक है, तो नैरो कॉम्प्लेक्स और वाइड कॉम्प्लेक्स, टू टाइप ऑफ क्यू आर एस वेरिएबल्स. ठीक है, तो इस रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारे पास, और वो एक्सेप्शन क्या है कि जब भी राइट या लेफ्ट बंडल ब्रांच होता है, या फिर इसी को हम वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम भी बोलते हैं, तो क्यू आर एस वाइड हो जाता है. जैसे मैंने बताया वेंट्रिकुलर में जो है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या रहेगा, वाइड रहेगा, बट उस केस में जो है सुप्रावेंट्रिकुलर रिदम होने के कारण भी वाइड होता है क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स. ओनली वन एक्सेप्शन, डब्ल्यू पी डब्ल्यू सिंड्रोम.
वोल्फ पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम। ओके देन मूव टू नेक्स्ट। अब एक नॉर्मल साइनस रिदम का क्या क्राइटेरिया होता है, हाउ विल यू डिफाइन इन ईसीजी कि ये एक नॉर्मल रिदम ईसीजी है, ये एक नॉर्मल रिदम मीन्स नॉर्मल को ही हम साइनस बोलते हैं, रेगुलर रिदम मीन्स साइनस रिदम। ओके जो नेचुरल होती है, तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया हमारे पास, कुछ क्राइटेरियाज हैं। पहला क्राइटेरिया होता है कि पी वेव की मॉर्फोलॉजी जो है वो हर आइडेंटिफाई होनी चाहिए रिस्पेक्टेड लीड में, जिसमें भी प्रोमिनेंट होती है, जैसे कि लीड टू वी वन। ओके देन हर पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आना चाहिए। देन अगर रिदम रेगुलर होती है तो वो रेस्पिरेशन के साथ वेरी कर सकती है थोड़ा बहुत, ठीक है। देन रेट चेंज जो है 60 to 100 बीट्स पर मिनट होना चाहिए, यानी कि लेस देन 60 होगा तो ब्रेडी बोल देंगे हम, मोर देन 100 होगा तो टैकीकार्डिया बोल देंगे, तो उस केस में साइनस रिदम नहीं बोलेंगे, उस केस में वर्ड चेंज हो जाएगा साइनस ब्रेडीकार्डिया और साइनस टैकीकार्डिया। तो 60 to 100 है तो उसमें आप बोल सकते हो कि साइनस रिदम है। ओके पी वेव की मैक्सिमम हाइट 2 बॉक्सेस, 2 स्मॉल बॉक्सेस, और पी वेव की विड्थ भी 2 स्मॉल बॉक्सेस, 2 by 2। ओके और पी वेव जो है पॉजिटिव होती है कौन कौन सी लीड में, 1 और 2 में, बाइफेजिक हो सकती है V1 में। ओके देन मूव टू नेक्स्ट, साइनस एरिदमिया। साइनस एरिदमिया मतलब क्या हुआ कि रेगुलर इरिदमिया, यानी कि या तो कंडक्शन बहुत फास्ट हो गया है लेकिन उसका रेट जो है वो रेगुलर है, हर 1 सेकेंड में या फिर हर 1 आधी सेकेंड में वो फायर कर रहा है, यानी कि बीच का गैप, 2 बीट के बीच का गैप वो इक्वल है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं साइनस एरिदमिया। तो इसमें कुछ वेरिएंट्स हैं जैसे कि एसिस्टोल, एसिस्टोल यानी कि बिल्कुल हार्ट बंद हो गया तो उसमें कुछ बीट ही नहीं है, तो डेट इज काइंड ऑफ एरिदमिया। साइनस टैकीकार्डिया मोर देन 100 बीट्स पर मिनट, साइनस ब्रेडिकार्डिया लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, साइनस अरेस्ट और पोज यानी कि नो बीट एट ऑल, देन साइनो एसे एग्जिट ब्लॉक यानी कि कॉन्ट्रेक्शन तो हो रहा है लेकिन ऐसे नोड से इंपल्स जनरेट हो रही है, एवी नोड पे जा ही नहीं रही है, तो ऐसे एग्जिट ब्लॉक हो गया है। देन सिक साइनस सिंड्रोम, सिक साइनस सिंड्रोम में भी साइनस रिदम रहे एरिदमिया रहेगा, देन खुद एक साइनस एरिदमिया है। तो अब एक एक करके इनके कोज देख लेते हैं कि किस किस वजह से जो है ये सब हो सकता है। तो साइनस टैकीकार्डिया के कोज क्या क्या हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज आवर हार्ट बीट गेट रेज्ड, ओके बढ़ जाती है जैसे एक्सरसाइज करते हैं, क्यों बढ़ जाती है, वो नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि डिमांड बढ़ेगी हर एक टिश्यू की, ऑक्सीजन नीड बढ़ती है तो हार्ट का काम है कि पंप करना ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जो भी टिश्यू तक पहुंचाना, तो ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए फास्ट हो जाती है हार्ट रेट। ओके देन एंजाइटी, देन थर्ड वन एल्कोहल और कैफीन, ओके एंड लास्ट वन इज ड्रग्स लाइक बीटा एगोनिस्ट, डोब्यूटामिन, एड्रेनालिन, ओके डोपामिन, सम ड्रग्स कैन कोज टैकीकार्डिया। ओके देन इन ये जो थे ये नॉर्मल फिजियोलॉजिक कंडीशन में थे कि अप्रोप्रिएट साइनस टैकीकार्डिया, जिनको आप पेशेंट आया तो कंसीडर कर सकते हो। अब इन अप्रोप्रिएट की इन ये जो है किसी भी कंडीशन में हो सकते हैं, जैसे फीवर, फीवर में टैकीकार्डिया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, हाइपोटेंशन, हाइपोक्सिया, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग के इनिशियल फेज में, जैसे ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो इनिशियल फेज में टैकीकार्डिया रहता है लेकिन ज्यादा ब्लीडिंग होने के बाद एक फेज के बाद ब्रेडी होना शुरू हो जाता है। ओके देन एनीमिया, एनीमिक ऑलवेज टैकीकार्डिया। ओके देन हाइपरथायरॉइडिज्म, देन कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी मीन्स वीकनेस ऑफ कार्डियक मसल, देन मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम। ओके दीज आर सम कॉजेज। और इससे पहले हमने जैसे डिस्कस किया नैरो कॉम्प्लेक्स और वाइड कॉम्प्लेक्स टेकिकार्डियाज या रिदम जो वेंट्रिकल से अराइज होती, सुप्रा वेंट्रिकुलर जो होती हैं वो नैरो कॉम्प्लेक्स होती हैं और जो वेंट्रिकुलर होती हैं वो वाइड कॉम्प्लेक्स होती हैं। तो इसी बेसिस पे ये फ्लो चार्ट है हमारा। फ्लो चार्ट में क्या है कि जैसे नैरो क्यू आर एस टैकीकार्डिया आपको ईसीजी में मिलता है, यानी कि 3 बॉक्सेस से कम क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है उसमें, तो उसमें हम देखेंगे रेगुलर है या नहीं है, ठीक है। अगर रेगुलर है तो पी वेव पे ध्यान दो, पी वेव भी है या नहीं है, नहीं है तो डेफिनेटली इट
यू विल कंसीडर दैट दिस इज एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया। ओके, अगर पी वेव है तो आपको देखना है कि एट्रिया का रेट ज्यादा है कि वेंट्रिकल का रेट ज्यादा है। ठीक है, उसमें यानी कि आपको पी पी इंटरवल देखना है और आर आर इंटरवल देखना है। तो आप देखोगे कि पी पी ज्यादा है या आर आर ज्यादा है। सो अगर एट्रिया का रेट ज्यादा है तो डेफिनेटली इट इज एट्रियल कोज, यानी एट्रियल फ्लटर या एट्रियल टैकीकार्डिया। अगर वेंट्रिकल का ज्यादा है तो फिर आप पी आर इंटरवल देखोगे, शॉर्ट है कि प्रोलोंग्ड है। ठीक है, शॉर्ट होगा तो डेफिनेटली देन मूव टू ए वी एन आर टी, ए वी आर टी री एंट्री टैकीकार्डिया, नोडल री एंट्री टैकीकार्डिया। ओके, अगर लॉन्ग है तो फिर एटिपिकल हो गया ये चीज। ओके, सो दिस इज फ्लो चार्ट अबाउट नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया। देन मूव टू कॉजेज ऑफ साइनस ब्रैडीकार्डिया, यानी कि जहां इंपल्स फायरिंग रेट जो है स्लो हो जाती है, वो कौन कौन सी कंडीशन है। नॉर्मल फिजियोलॉजी में, एथलीट्स में, ठीक है, एथलीट्स में जो है साइनस ब्रैडीकार्डिया रहता है। मेडिकेशन यानी ड्रग जो बीटा ब्लॉकर्स होती हैं, बीटा ब्लॉकर्स जैसे कि प्रोप्रेनोलोल, मेटोप्रोलोल, एटीनोलोल, सोटालोल, ओके, दिस ऑल कोज ब्रैडीकार्डिया। देन इस्चेमिया, और इसमें भी हम टिपिकली बात करें तो इन्फीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन में ब्रेडीकार्डिया मिलता है हमें। देन हाइपोथर्मिया, इन केस ऑफ हाइपोथर्मिया बॉडी टेम्परेचर बहुत कम रहता है, ठंडी बॉडी रहती है, तो उस केस में ब्रेडीकार्डिया होता है। ठीक है, देन हाइपोथायरॉइडिज्म, इसका अपोजिट हाइपर में था, हाइपर में टैकीकार्डिया मिलता है, हाइपो में ब्रेडीकार्डिया मिलता है। ओके, देन न्यूरोमीडिएटेड ब्रेडीकार्डिया, जैसे कि वेजोवेगल शॉक होता है, उस केस में भी ब्रेडीकार्डिया होता है। ओके, तो दिस वॉज ऑल अबाउट रिदम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपडेट करते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। थैंक यू।